नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आने वाले 26 जनवरी के दिन इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि लोकतंत्र देश के DNA में गहराई से समाया हुआ है। भारत का गौरवशाली इतिहास और शिक्षा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति रही है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा दायित्व केवल देश के गौरव की रक्षा करना ही नहीं बल्कि विश्व को उसके मूल्यों से प्रेरित करना भी है। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि अब बच्चों को भारत का बदला हुआ इतिहास पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश भर के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 26 जनवरी 2023 से बसंत पंचमी के दिन से भारतीय इतिहास का सही संस्करण पढ़ाया जाएगा। आज भारत में मातृभाषा को प्राथमिकता देने से लेकर पढ़ाई के लिए 200 टीवी चैनल, डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसे प्रयास हो रहे हैं। इतिहासकारों को इनके लिए ज्ञानवर्धक वैज्ञानिक सामग्री तैयार करना होगा। हमें 21वीं सदी में भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को एक नया वैश्विक परिप्रेक्ष्य देना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री वहीं भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर भी प्रधान ने कहा कि हमें G20 को भारत का उत्सव बनाना होगा। कला, संस्कृति, सभ्यता की विरासत को तर्क, लेख, संगोष्ठी, संवाद के माध्यम से विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। मैं सभी को इसमें अपनी रुचि के हिसाब से सहभागिता के लिए अपील करता हूँ। वहीं अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि 26 जनवरी से बच्चे बदला हुआ इतिहास पढ़ेंगे, ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि बदले हुए इतिहास में हमारी मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी मॉडर्न होने के चक्कर में अपने देश का अस्तित्व ना भूल जाए। और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।